जब भी हमें कोई प्रसाद बनाना हो हम यही सोचते हैं वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। मैंने तो शुरू से ही यही देखा है, मेरे घर में सभी यही कहते हैं कि प्रसाद हमेशा घर में बना हो, शुद्ध बना हो। तो ऐसे में हमें याद आता है कि प्रसाद कौन सा बनाया जाए जो परफेक्ट बने। तो अब रामनवमी आने वाली है, हनुमान जयंती आने वाली है, दुर्गा अष्टमी आने वाली है, ऐसे में हमें याद आती है बूंदी या बूंदी के लड्डू। अब बूंदी परफेक्ट बनेगी तभी तो लड्डू बनेंगे। वैसे बूंदी और लड्डू मैंने आपको कई सारे बना के दिखाए, लेकिन आज कुछ खास ट्रिक्स ऐसे बताऊंगी जिससे आपकी बूंदी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। गोल मटोल बूंदी को बनाने के लिए कुछ खास ट्रिक्स चाहिए जिसे आप जरूर फॉलो करें, बिना स्किप किए वीडियो को देखें जिससे आपको सारे ट्रिक्स समझ आएं, जिससे आपकी बूंदी लंबी आड़ी तिरछी ना बने। ये सारी ट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो आपकी भी बूंदी बनेगी बहुत परफेक्ट। तो क्यों ना इस परफेक्ट बूंदी को बनाना शुरू करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर 1.5 कप बेसन ले लिया है, छना हुआ है बेसन, ये बात जरूर ध्यान रखें, आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए 1/8 दो पिंच समझ लीजिए मीठा सोडा डालना है। मैंने 1.5 कप बेसन के लिए 1/4 कप पहले पानी लिया है, उसके बाद हमें जब पानी लगेगा तो धीरे धीरे लगेगा, एक एक चम्मच करके लगेगा, कुल मिला के 4-5 चम्मच छोटे वाले और लग जाएंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है बूंदी को परफेक्ट बनाना है तो एक ही डायरेक्शन में फेंटते जाएं। 1/4 कप के बाद मैं 1-1 चम्मच करके इसमें पानी डालती जा रही हूँ और इसे फेंटती जा रही हूँ। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें कितना फेंटना है। यहाँ मैंने एक पानी की कटोरी ली है, उसमें जब मैंने बेसन डाला तो आपने नोटिस किया यह बेसन बिल्कुल नीचे बैठ गया ना, नीचे तैर नहीं रहा। तो तब तक हमें इसे फेंटना है जब तक ये ऊपर तैरने ना लगे। तो अब चलिए इसको फेंटना शुरू करते हैं, बस यही मेहनत है। ये छोटी सी चीज़ है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं जिससे हमारी बूंदी प्रॉब्लम देती है। ये देखिए मैं कितने छोटे चम्मच से बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, तब तक फेंटूंगी जब तक कि बेसन का कलर चेंज ना हो जाए। आपको मैं दिखाऊंगी कि पहले बेसन किस कलर का था और फेंटने के बाद बेसन किस कलर का हो गया। तो बस आपको फेंटना है, करीब करीब आपको घड़ी के हिसाब से 4-5 मिनट तो आपको बेसन को फेंटना ही है, जिससे क्या होगा अंदर हवा भरेगी, हवा भरेगी तो ये बेसन हल्का होगा, बेसन हल्का होगा तो बूंदी आपकी बहुत ही गोल बनेगी और हल्की बनेगी, जो कि अंदर रस में जाके रसीली हो जाएगी। अब हमने जब फेंट लिया तो पानी की कटोरी फिर से मैंने ली है, आप देख रहे हो बेसन उठ उठ के ऊपर आ जा रहा है, ये जो जो मैं बूंदी टपका रही हूँ ये देखिए ऊपर तैरने लग गई, मतलब ये करेक्ट साइन है कि हमने जो बेसन फेंटा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं हम बूंदी तलने। तो बूंदी तलने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। आप शुद्ध घी में तलें या रिफाइंड में तलें ये आपकी च्वाइस है, बस सरसों के तेल में कभी इसे फ्राई ना करना, क्योंकि एक तो प्रसाद है और दूसरी चीज़ क्या है कि ये मीठी चीज़ है, तो कभी भी तीखे ऑयल में ना फ्राई करें। मुझे कई कॉमेंट्स आते हैं कि हम सरसों के तेल में तल सकते हैं क्या, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया है, अब ऑयल की फ्लेम कैसी होनी चाहिए, मीडियम, मतलब पहले ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद उसे, मतलब नॉर्मल जैसे गैस है तो ये जलता रहेगा, अगर आपका बहुत ज़्यादा तेज़ जलता है तो उसे थोड़ा मीडियम कर दें। फ्राई करने की बात है तो इसके लिए मेरे को कोई स्पेशल झारा नहीं चाहिए, घर में जो पूड़ी तलने वाला झारा होता है वो ले लीजिए, या फिर आप क्या करें जिसमें हम कद्दूकस करते हैं, इस तरीके से प्लेट या थाली जैसी होती है ना वो आप ले लीजिए। अब हमें करना क्या है, पहले इतना देखिए ऑयल हमारे पास गर्म है, जब मैं बेसन डाल रही हूँ तो मैं बिल्कुल चिपका के नहीं डाल रही हूँ, मैं बेसन कैसे डाल रही हूँ उसके ऊपर डाल रही हूँ बस। तीसरी चीज़ मेरी ऊंचाई कितनी है, ये देखिए मेरी है कम से कम बस 4-6 इंच ऊपर, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। बूंदी आप देख रहे हो कैसे गोल गोल बूंदी अपने आप गिर रही है, अगर बूंदी गोल है तो बिल्कुल ये परफेक्ट है आपका मिश्रण। अगर किसी वजह से आपकी लंबी बूंदी हो रही है इसका मतलब आपने पानी ज़्यादा डाल दिया है, तो थोड़ा सा बेसन और डाल दीजिए 1/2 चम्मच। अगर आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, मतलब बूंदी गिरी नहीं रही है, इसका मतलब आपने पानी में थोड़ी कंजूसी की है। वैसे जो मैंने आपको रेशो बताया 1.5 कप बेसन में आपका 1 कप से थोड़ा कम पानी लगेगा, और कैसे गोल गोल बूंदी गिर रही है, और यहाँ पे मुझे झटकाना भी नहीं है, अगर मैं झटकाऊंगी तो बूंदी का शेप अलग हो जाएगा, और हर बार मैं यहाँ से हटा दूंगी अपने आप बूंदी क्रिस्प हो जाए, और हर बार बूंदी मैं एक छन्नी में रख रही हूँ जिससे एक्स्ट्रा ऑयल हो तो वो निकल जाए।
यहाँ मैंने ये वाला पूड़ी वाला लिया है झारा, जो कि हमारे हर घर में होता है। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं झटका रही हूँ। खास बात देखिए, अगर झटकाऊंगी तो बूंदी लंबी हो जाएगी, उसका शेप खराब हो जाएगा। उसे अपने आप गिरने दीजिए और इसे क्रिस्प होने तक पकाइए। बूंदी आप देख लीजिए, हर बार मैं छन्नी से निकाल रही हूँ, बिल्कुल गोल मटोल बूंदी है। जैसे ही आपको लगे कि इसकी गिरने की कंडीशन कम हो गई है, तो जो बेसन एक्स्ट्रा है उसे हटा दीजिए और वापस उसी कटोरे में डाल दीजिए बेसन, और उस झारे को एक बार वॉश कर लीजिए, पोंछ भी लीजिए। बस यही थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन बूंदी इतनी टेस्टी बनती है, इतनी घर में लाजवाब बनती है कि आपको क्या कहना। सारी बूंदी बन गई है, थोड़ा सा बेसन बचा है। अब मैं क्या कर रही हूँ वो देख लीजिए। मैं चाशनी अभी थोड़ी देर में आपको बना के दिखाती हूँ। मैं इसलिए चाशनी अभी नहीं बना रही कि आप कंफ्यूज होंगे, पहले आप बूंदी बना के रख लीजिए फिर बनाएंगे चाशनी। तो अब देखिए, ये येलो बूंदी तो बिल्कुल बन गई है बिना कलर की। अब हम बनाएंगे जो बेसन बचा हुआ है, उसको मैंने दो कटोरियों में निकाल दिया है। एक एक चम्मच ही होगा, एक एक करछी होगी। और जो ये कटोरे में थोड़ा सा बचा है उसमें मैंने ऑरेंज कलर डाल दिया है, और एक में मैंने ग्रीन कलर डाला है, एक में मैंने रेड डाला है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे कलर यूज़ करो, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल के चला सकते हो काम, या बिना कलर की भी बना सकते हो। ये है ऑरेंज कलर, जिसको हम तंदूरी कलर कहते हैं। अब देखिए, बूंदी थोड़ी सी नुकीली नुकीली बनेगी, क्योंकि मैं बेसन वेस्ट नहीं करूंगी, मैं ऐसे झटकाऊंगी, क्योंकि ये बेसन मुझे ख़त्म करना है। बूंदी को तलना जरूरी है, इस बात का खास ध्यान रखें। आप ये ना सोचें कि कच्ची कच्ची बूंदी निकालें, उससे बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा, कच्चे बेसन का टेस्ट आएगा। ये भी बूंदी बन गई है ऑरेंज कलर की, इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये ग्रीन कलर की बूंदी भी हमें इसी तरीके से फ्राई करनी है। रंगीन बूंदी बनाना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने तो जस्ट चेंज के लिए रंगीन बूंदी बनाई, क्योंकि पहले मैंने आपको कभी भी कलरफुल बूंदी नहीं बना के दी है। ग्रीन बूंदी भी इसमें डाल देते हैं। अब बनाते हैं रेड बूंदी। आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा बेसन है ना, तो पूरा उसमें हेल्प लेके उसमें पूरा का पूरा बेसन डलवा रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से ही हम इसको फ्राई कर सकते हैं ना। जब भी आप झटकाएं तो कढ़ाई को पकड़ लें, वरना गिर सकती है कढ़ाई। अब ये सारी बूंदी तल चुकी हैं, कितनी कलरफुल, कितनी सुंदर लग रही है ना। अब बारी आती है कि चाशनी कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, डेढ़ कटोरी हमने बेसन लिया था, उतना ही डेढ़ कटोरी आपको लेना है चीनी। चीनी लेने के बाद एक कटोरी आपको लेना है पानी। इसमें कुछ इलायचियों को कूट के मैंने डाल दिया है। प्रसाद है तो मैं और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इलायची डाल रही हूँ। हमें एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक ऐसी चाशनी जो कि चिपचिपी, जैसे गुलाब जामुन जैसी चाशनी चाहिए। बस जैसे चीनी घुल जाए, उसके बाद दो तीन मिनट अच्छे से पक जाए, मतलब उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए। अब इसे थोड़ी ठंडी होने दीजिए, एकदम गर्म में चाशनी में न डालें, थोड़ा सा ठंडा रहेगा, गुनगुनी चाशनी रहेगी, तब हम ये बूंदी तली हुई इसमें डाल देंगे। मैंने सारी बूंदी डाल दी है, अब यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ। और एक यहाँ पर एक और ट्रिक है कि कई बार हम शुद्ध घी से बूंदी तलते हैं तो अलग ही बात है, पर कई बार हम शुद्ध घी से नहीं तलना चाहते, तो यहाँ पर आप एक से डेढ़ टेबल स्पून शुद्ध घी डाल दीजिए, जिससे होगा ये, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी, ऐसा लगेगा कि आपने घी से बूंदी बनाई है। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटा पलटा के देखना है। जब आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से बूंदी 3-4 घंटे में बहुत बढ़िया बूंदी हो गई है, तब आप चाहें तो थालियों में निकाल के रख दें। अभी ये थोड़ी गीली है, अगर आपको थोड़ी गीली गीली पसंद है तो ये परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ी ड्राई चाहिए तो बस इसी में ही रहने दीजिए और 3-4 घंटे और छोड़ दीजिए, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। एक और बात, ये रसीली है कि नहीं है ये ज़रूर चेक कीजिए। चाशनी थोड़ी सी बच गई है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं और चाशनी बचा के क्या करना है, तो थोड़ा सा कढ़ाई को गैस पर रखिए, थोड़ी सी बूंदी को और पका लीजिए, पूरी चाशनी को ख़त्म कर लीजिए और फिर उसे थालियों में डाल दीजिए। कैसी लगी ये बूंदी बनाने की ट्रिक्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये बूंदी इतनी परफेक्ट हो जाएगी, आप देख रहे हैं ना फोटो में कितनी मतलब जूसी है, कितनी कलरफुल है, और कितनी मतलब गोल गोल है, और कितनी फरहरी है, मतलब आप किसी को प्रसाद देंगे आपका हाथ चिपचिपा बिल्कुल नहीं होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कब बना रहे हैं, हनुमान जयंती के दिन बनाएंगे, या फिर बच्चे पास हुए हैं इसलिए बना रहे हो, प्रसाद भोग लगा रहे हो, या इफ्तार में बना रहे हो, तो ये कैसी लगी मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें।